नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देशव्यापी हड़ताल में राजधानी भोपाल में इसका असर देखने को मिला। निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर सभी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने नीलम पार्क में दो दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द चिंताओं का निराकरण किया जाए। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। वीके शर्मा कोऑर्डिनेटर संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन। आज करीब 20 करोड़ से ज्यादा मजदूर कामगार कर्मचारी अधिकारी केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभाओं के दौर हैं और हड़ताल में शामिल हैं। मजदूरों की डिमांड या ट्रेड यूनियंस की डिमांड है कि जो श्रम कानून है उनको चार संहिताओं में इन्होंने बांध कर रखा है, इसका विरोध है। और इसके अलावा निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मी है, संविदा कर्मियों को नियुक्त करना चाहिए, नई पेंशन स्कीम को खत्म करना चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम जो महंगाई भत्ते से संबद्ध है उसको बहाल करना चाहिए। आज करीब देश भर में 20 करोड़ लोग हैं और यहाँ 1000 से ज्यादा लोग अभी यहाँ इकट्ठे हैं। मैं सुनील गोपाल, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC का मध्य प्रदेश राज्य सचिव। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि ये पूरे देश भर की एक हड़ताल है। हम उम्मीद कर रहे हैं, पिछली बार 15 करोड़ मजदूरों ने हड़ताल की, इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं ये संख्या उससे भी बहुत ज़्यादा होगी। और लगभग हर सेक्टर का मजदूर ये 28 और 29 को अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर है। हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो 44 श्रम कानून है जो मजदूरों ने अंग्रेज़ों के समय से लड़कर हासिल किए थे, जो अपने पक्ष में कानून, तब से सरकारें, आज़ादी के बाद से सरकारें 1970 से शुरुआत हो गई, तब से बदलती आ रही थी। और इस देश के पूंजीपति ये चाह रहे थे कि उनके हित में पूरी तरह से श्रम कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जाए। बाकी सरकारें हिम्मत नहीं कर सकी। इस सरकार ने अपने को मिले हुए बहुमत, जो लोगों ने इस सरकार पर यकीन करके जितना भी इसको वोट दिया उसको धोखा देते हुए इस सरकार ने अपने बहुमत का इस्तेमाल उन श्रम कानूनों को एक झटके में ख़त्म करके किया है। 44 श्रम कानून जो मजदूरों के श्रम अधिकारों की रक्षा करते थे उनको बदलकर चार संहिताओं में बदल दिया गया। संहिता मतलब अब वो कानून नहीं रहेंगे, उनका पालन ना करने पर सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी CII की बैठक में जाकर बोलते हैं कि आप लोग समझिए कितना बड़ा काम हुआ है, अब किसी पूंजीपति को, किसी उद्योगपति को इस देश में जेल नहीं हुई। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ पुरानी पेंशन को जो ख़त्म कर दिया गया है उसको बहाल करने की मांग पर यह हड़ताल है। महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, खुदरा महंगाई पूरी तरह बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, LPG इनके दाम बेलगाम होते जा रहे हैं, इसके खिलाफ भी मजदूरों की यह हड़ताल है। बेरोजगारी जो भयानक रूप से बढ़ रही है इसको लेकर मजदूरों की हड़ताल है। मांगे तमाम हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर कि ऐसा नहीं है कि मजदूर केवल अपनी कोई तनख्वाह बढ़ोतरी की मांग पर ये हड़ताल कर रहे हैं। मजदूर इस देश का असली मालिक है और वो ये कह रहा है कि ये देश पूंजीपतियों के हाथों में बंदी रखने से नहीं चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।